लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच अब सरकार ने भारत में 59 ऐप पर रोक लगा दी। ये तमाम ऐप जो थे वो भारत में काफी प्रचलित थी, चाइनीज ऐप थे, इन पर रोक लगा दी गई। इस समय हमारे साथ टिकटॉक स्टार मौजूद है जो लगातार उस पर अपने वीडियोस बनाते थे। अब सरकार ने जिस तरीके से 59 ऐप पर रोक लगाई है, आप लोग टिकटॉक पे तमाम वीडियो बनाते थे, क्या कहना है आपका? जी, ये सरकार ने देखते हैं सही किया है, बिकॉज इससे छोटे छोटे जो बच्चे थे उनपे काफी गलत इफेक्ट पड़ रहा था। और आजकल देखा ही होगा आपने कि काफी जनों पे इतना ज्यादा इनपे इफेक्ट पड़ा कि वो अपनी जान भी दे रहे हैं। और ईटीसी टिकटॉक पर जिस तरीके से बैन लगाया, टिकटॉक पर आप वीडियो बनाते थे, किस तरीके से वीडियो बनाते थे और अब जब ऐप पर रोक लगा दी गई है, क्या कहना है? मतलब टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के लिए ट्राइपॉड ले आए घर पे, 8,000 रुपए का ट्राइपॉड लेके आ गए, पापा से पैसे मांग लिए और फिर आईफोन खरीद लिया उसके लिए, फिर फोन पे रख के डेली 2 से 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं अपने, और फिर कुछ काम धंधा करना नहीं, पढ़ाई छोड़ दी अपनी टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए, जा रहे हैं दोस्तों के साथ कैमरा लेके और कैमरा लेके अच्छी अच्छी जगह शूट करने जा रहे हैं, और दूसरी बात फिर ऐसी ऐसी लोकेशन देख रहे हैं जिसमें हमारी जान भी जा सकती है, मे बी यू नो कैसी फील्ड के ऊपर या वैसे सब कुछ वगैरह वगैरह। बाकी टिकटॉक पे रोक लग गई है, मुझे बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, बिकॉज मैं तो चाह ही रहा था बहुत टाइम से कि टिकटॉक पे रोक लगे। बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो भी किया है वो बहुत ज्यादा अच्छा किया है। सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से ये तमाम फैसले लिए गए, अब अभी आपके पास टिकटॉक है, क्या आप उसको डिलीट कर चुके हैं या कर रहे हैं? मेरे पास टिकटॉक है अवेलेबल, बट मैं अभी डिलीट करता हूँ उसको। किस तरीके से? अभी आप ये देखे, ये रहा मेरा टिकटॉक ऐप, इसको मैं ये डिलीट कर चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है इनके पास टिकटॉक ऐप था जिस पर ये लगातार वीडियो भी बनाते थे, ये एक टिकटॉक स्टार है, फिलहाल इन्होंने डिलीट कर दिया। क्या कहना है आपका जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है? नहीं, सरकार का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। जैसे कि भी रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर को बताया था कि 1200 करोड़ टिकटॉक ने सिर्फ इंडिया से कमाए हैं और टिकटॉक के सबसे ज्यादा यूजर्स भी सिर्फ इंडिया में ही है, तो उसको बैन करना बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है तो सेल्फ डिपेंडेंट, जैसे अभी मोदी जी ने बोला कि लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, तो हमारी आईटी कंपनी भी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिससे लोग इंटरटेन हो सके। डेफिनेटली टिकटॉक इंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा लोगों के लिए साधन था, बट हम लोग ऐसा कोई इंटरटेनमेंट नहीं चाहते जिससे हमारे देश को नुकसान हो दूसरे को फायदा हो। जाहिर सी बात है 59 ऐप पर रोक लगाई गई है, टिकटॉक बंद हो गया, अच्छा है, ठीक है, बंद कर दिया सरकार, इससे बच्चे पर भी प्रभाव पड़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पे ही कहना है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तनातनी चल रही थी ऐसे में अब गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो कि भारत में काफी लोकप्रिय थे।